में महोबा पुलिस का पर्सनली थैंक्स कहना चाहूंगा और उनकी पूरे प्रोएक्टिव कार्रवाई का सराहना करना चाहूंगा। स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी का किया खुलासा, पुलिस की दिखी तत्परता। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 4 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त रेवा शुगर इंडस्ट्री का मैनेजर बताया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि शुगर इंडस्ट्री का मैनेजर फर्जी दस्तावेज बनाकर कंपनी के नाम भुगतान न कराकर अपने खाते में करवा रहा था भुगतान। महोबा फर्जी दस्तावेज देने आए मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर दी है शुरू। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। एक श्री रश्मित मेहरोत्रा मल्होत्रा, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिनका यहाँ पे पहाड़ का एक व्यापार है। इनका एक यहाँ पे पहाड़ है जिसका कि इनका पट्टा है। वहाँ इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि जो इनका एक मैनेजर है सचिन नाम का, इसने कुछ दिनों से पैसों का पेमेंट नहीं किया है और बार बार टहला रहा है, और अब उसके फोन भी बंद हो गए हैं, और कुल मिलाकर के लगभग 4 करोड़ की धनराशि की इसने इमारत में खयानत करी हुई है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, साथ ही इसमें 5 टीमों का गठन किया गया। सीडीआर व सर्वेलेंस के माध्यम से जगह जगह पर इस व्यक्ति का होना पाया गया। विभिन्न जगहों पर कई टीमों को रवाना किया गया, दिल्ली, पानीपत, लखनऊ, यहां तक कि मुंबई तक हमारी टीमें गईं और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में लगातार इसमें कार्रवाई चल रही थी और आज जो है सचिन को पकड़ लिया गया है और आज उसको जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इससे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये यहाँ इस जगह पर मैनेजर था और इसके मन में धोखा देने का विचार उत्पन्न हुआ और ये ट्रेडिंग ट्रेड करता था। ट्रेड मार्केट में इसने बहुत सारे पैसे लगा रखे थे जहां से नुकसान भी हुआ था, और उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने श्री मेहरोत्रा जी के पैसों का गबन कर लिया व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जो पेमेंट श्री मेहरोत्रा को होना चाहिए था वो इन्होंने अपने अकाउंट में कराया और उसके अकाउंट में करके उससे शेयर का ये काम कर रहा था। इसके पास से और जब जैसी इसको सूचना हुई कि ये पुलिस के पास आ गए हैं, ये एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से यहाँ से स्विफ्ट गाड़ी से यहाँ से भाग गया था। इस तरह की सूचना जब हम लोग इससे जब पूछताछ हुई और इससे हमने और फर्दर इंक्वायरी करी तो कुल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए इससे बरामद करने में पुलिस सफल रही है। साथ ही जो अन्य पैसों की रिकवरी है उसके बारे में देखा जा रहा है और उसको भी जल्द रिकवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे पैसे इसने जो है वो ट्रेडिंग मार्केट में डुबो दिए हैं और जो अन्य कोई भी रिकवरी हो सकती है उसके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए और उससे भी अधिक 1 करोड़ 10 लाख की धनराशि ऑलरेडी वापस आ चुकी है। इस तरह से ये एक बहुत अच्छा वर्कआउट जो है बहुत कम टाइम में पुलिस ने किया है, और ये व्यक्ति बहुत ही शातिर किस्म का है और ये यहाँ से भाग गया था और इसका इसका ये भी इरादा था कि भारत देश से ही छोड़ के कहीं भाग जाएगा। इस तरह बहुत ही त्वरित कार्रवाई क्योंकि पुलिस ने की, इसलिए ये पकड़ा गया और जो हमारे सम्मानित व्यापारी हैं यहाँ पर उनकी मेहनत की कमाई वो पुलिस वापस कर पाने में सक्सेसफुल रही है। इस तरह ये बहुत अच्छा वर्कआउट कोतवाली पुलिस सर्वेलेंस की टीम व एसओजी हमारी एसओजी की टीम द्वारा किया गया। मैम पुलिस टीम को कोई आपके द्वारा इनाम वगैरह? ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है और इनको जरूरी सम्मानित पुलिस मेरे द्वारा किया जाएगा। सचिन प्रकाश मेरे यहाँ पिछले 4-5 साल से मैनेजर है, जो यहाँ मेरे पहाड़ों की लीज है अलग अलग कंपनियों की, उसका सभी लेन देन संभालता था। पिछले कुछ समय से उसके द्वारा हिसाब देने में टालमटोल की जा रही थी। अचानक 9 तारीख को उससे सख्ती से पूछने पे, फ़ोन पे पूछने पे उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया और वो गायब हो गया। इस घटना की जानकारी मेरे द्वारा 10 जनवरी को यहाँ कोतवाली थाने में दी गई थी और फिर उसके बाद मैं महोबा पुलिस का पर्सनली थैंक्स कहना चाहूँगा और उनकी पूरे प्रोएक्टिव कार्रवाई का सराहना करना चाहूँगा कि माननीय एसपी मैम के नेतृत्व में तत्काल शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस टीमें मुंबई के लिए, लखनऊ के लिए, सोनीपत, पानीपत, हर जगह उन्होंने दबिश दी इतने ठंड और कोहरे में,
और कई रातों रात ट्रैवल करते हुए कई हज़ारों किलोमीटर के सफ़र करे और ये लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और बहुत ही कम समय में इसको पकड़ लिया गया। इस और फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो हमारे पैसे यहाँ पे सप्लाईज में दिए गए हैं पूरे अलग अलग क्रैशर्स को, उसमें से काफ़ी कुछ रकम इसने अपने खुद के खाते में ट्रांसफ़र करा ली है कूटरचे दस्तावेजों को बनाते हुए। लगभग 1 करोड़ रुपए की रिकवरी इससे तत्काल हो गई है। बाकी की रिकवरी की 4 करोड़ 10 लाख रुपए तक की उधारी है और 12 लाख रुपए नकद लेके गया है।